अगर आप घर से 2000 किलोमीटर दूर रोड ट्रिप पर आए और जाते समय गाड़ी बंद पड़ जाए तब आप क्या करेंगे? मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ, बताती हूँ आपको डिटेल्स में। हेलो एंड वेलकम टू माय अमेजिंग रोड ट्रिप डायरी। यहाँ आज हम पुरी से जा रहे हैं कोलकाता। अब तक हमारी जर्नी बहुत ही अमेजिंग थी। हम सिलचर से पुरी जगन्नाथ धाम आए थे हमारे इस वाहन से और अब वक्त है वापस जाने का। ये मेरे जिंदगी का पहला रोड ट्रिप है जहां मुझे 4000 किलोमीटर कवर करना है। ऐसी ऐसी चीजें मैंने पहली बार किया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं कभी करूँगी, जैसे रोड साइड में खड़े होकर खाना पकाना, खाना खाना, पब्लिक टॉयलेट यूज करना और रात भर गाड़ी में बिताना, और तो और समुन्दर में स्पीड बोट और ATV चलाना। ये अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। खैर, अब सारी अमेजिंग यादें और एक्सपीरियंस को समेटते हुए हम अभी निकलेंगे पुरी से। पर मुझे अब तक पता नहीं था जिंदगी का सबसे खतरनाक एडवेंचर अभी हमारा वेट कर रहा है। अभी हम पुरी स्वर्ग द्वार के सामने हैं और यहाँ से हम सीधे जाएंगे कोलकाता। पर जाते जाते एक बार फिर से समुन्दर से मिलकर समुद्र से विदा लेते हुए जाएंगे। अब समुंदर के पास आकर हम रुक गए हैं, अभी समुंदर से विदा लेंगे। साथ ही साथ समुंदर के सामने जो दुकानें हैं वहाँ पर अगर हमें कुछ खाने का मिलेगा तो हम पैक करा के ले लेंगे, क्योंकि आज हमारा सफर काफी लंबा होने वाला है। और लंबा तो काफी दिनों से ही चल रहा है, हमने नॉनस्टॉप 1600 किलोमीटर कवर किया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम गुवाहाटी से सीधा भुवनेश्वर में आके रुके हैं, मतलब पूरा दिन, फिर रात और फिर पूरा दिन। शाम के 8 बजे हम पहुँचे हैं। दिस इज इनसेन, पर हमने ये कर दिया। और मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, आप लोग ये ट्राई ना करें क्योंकि ये काफी मुश्किल है। बट इफ यू थिंक यू कैन, then definitely you can go ahead। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कुछ भी आप जानना चाहते हो, you can ask me in the comment। चलिए फिलहाल हम है पुरी बीच पर और ये है पुरी बीच का सुबह का नजारा। मन तो कर रहा है समुन्द्र में जाने का, पर अभी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से समुद्र को थोड़ा देख लेते हैं और यहाँ से विदा लेते हैं। अब दूर से ही सही हम समुन्दर से विदा लेंगे। पास जाने का मन था पर टाइम कम है, और अगर मैं समुन्दर के पास गई मुझे थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। तो यहाँ टाइम बचाने के चक्कर में इस जेड सिक्योरिटी को क्रॉस करके मैं अभी बढ़ रही हूँ आगे। और ये रहे हमारे चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु के पास जाने का, उन्हें प्रणाम करने का मौका मिला है, तो ये मौका मैं तो छोड़ूंगी नहीं। और प्रणाम करके मन में एक ही बात आता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बस अभी वक्त आ गया है समुन्दर से विदा लेने का, और यहाँ से विदा लेके अब मैं बढ़ूंगी आगे। और यहाँ हमें मिल गया है गर्मा गर्म पकौड़े, जिसे पैक करा के हम गाड़ी में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ रुके खाने का हमारे पास टाइम नहीं है और हमें जल्द से जल्द कोलकाता भी पहुँचना है। तो चलिए अभी गाड़ी में बैठ के पकौड़ा खाते हुए हमारा सफर शुरू करते हैं। अब
यहाँ से कोलकाता लगभग 500 किलोमीटर दूर है और हम सुबह 6 बजे के आसपास निकले हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं शाम होते होते हम कोलकाता पहुँच जाएंगे। और हमारे प्लान के अनुसार कोलकाता में हम एक दिन रुकेंगे, थोड़ा घूमेंगे और फिर दूसरे दिन कोलकाता से निकल जाएंगे गुवाहाटी के लिए। कोलकाता से डायरेक्ट गुवाहाटी एक दिन में शायद पॉसिबल ना हो, तो हम मालदा या दार्जिलिंग कहीं पर नाइट स्टे करेंगे और फिर दूसरे दिन हम पहुँचेंगे गुवाहाटी। यही अब तक का था हमारा प्लान, पर हमें क्या पता था आगे क्या हमारा इंतजार कर रहा है। हम सुकून के साथ मेमोरीज को रिकलेक्ट करते हुए जगन्नाथ धाम में प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन, समुन्दर में नहाना, लहरों के साथ खेलना, स्पीड बोट, ATV, ये सब कुछ सारी चीजें सोचते हुए खुशी खुशी हम आगे बढ़ रहे थे। बीच में हमें यहाँ पर रुकना पड़ा क्योंकि गाड़ी को अगर हम खाना नहीं खिलाएंगे तो ये बेचारा आगे कैसे बढ़ेगा। तो बस यहाँ टंकी फुल करा के हमारी जर्नी फिर से शुरू हो गई। और इसी के साथ हम आ चुके हैं पुरी के बाउंड्री पर, मतलब अभी हम पुरी से बाहर निकलने वाले हैं और यही वो जगह है जहां पर हमारे साथ ये घटना घटी। हम जब जा रहे थे तब भी हम यहां पर रुके थे और अब आते समय भी सोचा यहां पर थोड़ा रुक के फोटो खिंचवाते हैं, और बहुत सारे इमोशंस थे एक साथ। तो यहाँ कुछ देर के बाद फिर से हम गाड़ी में बैठे और तभी हमारे साथ घटी ये घटना जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक्चुअली हमारे साथ नहीं, हमारे गाड़ी के साथ। गाड़ी में बैठते ही फिर से गाड़ी को चालू किया गया पर गाड़ी ने जाने से मना कर दिया। अब ऐसे मौके पर घर से दूर रास्ते के बीच में खड़े होकर हम करे तो करे क्या। अब ये टाटा मोटर्स की गाड़ी है, मतलब टाटा टियागो, तो हमें लगा सबसे पहले हम टाटा मोटर्स पे फोन करके पूछते हैं ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी और फिर कहा बैटरी को थोड़ा साफ कर लीजिए, शायद इसी की वजह से ये प्रॉब्लम है। पर हमने जो गलती की वो है हम अपना इक्विपमेंट्स लाना ही भूल गए, इसके वजह से हमें बहुत दिक्कत हुई। फिर लगभग 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ा और थैंक गॉड हमें ये भैया मिल गए। और फिर हमारे टाटा मोटर्स के इंस्ट्रक्शन के अनुसार भैया ने बैटरी खोले और इसे साफ करने लग गए। अब यहाँ हमें एक बात तो समझ आ गई, घर से बाहर निकलोगे तो ऐसे छोटी मोटी बातें तो होती ही रहेगी और साथ ही साथ मदद भी मिल जाती है। तो अगर आप कभी ये सोचते हैं कि हम जाएंगे कुछ गड़बड़ हो गई तो कैसे मैनेज करेंगे, भाई निकल जाइए, मैनेज अपने आप हो जाता है। हाँ वक्त थोड़ा लग जाता है लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े रोड ट्रिप्स पर ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है और जाएंगे नहीं तो जिंदगी का एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मिस करेंगे। अब भैया का काम खत्म हो गया है और भगवान का नाम लेके हमारी गाड़ी फिर से चालू। अब गाड़ी तो चालू हो गई लेकिन मन में एक डर है, हमें काफी दूर जाना है सिलचर तक, लगभग 2000 किलोमीटर। तो हम सोच रहे थे यहाँ आसपास हमें जो भी टाटा मोटर्स का सेंटर मिले वहाँ पर हम जाएंगे और गाड़ी का एक बार चेकअप करा लेते हैं ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो। एंड फाइनली हमें 5 से 7 किलोमीटर के अंदर ये टाटा मोटर्स का सेंटर मिल गया है जहाँ पर हम आ चुके हैं अपने गाड़ी को चेक कराने। द एम्प्लॉइज वर्किंग देयर आर सो गुड एंड सपोर्टिव एंड ट्राइंग एवरी मींस टू हेल्प अस इन ऑल पॉसिबल वे। पर प्रॉब्लम है बैटरी का जो खराब हो गया है और उन्होंने हमें कहा उनके यहाँ पर बैटरी अवेलेबल नहीं है, हम किसी और जगह से बैटरी लगा दे और फिर जर्नी कंटिन्यू करे क्योंकि बैटरी कभी भी खराब हो सकती है, गाड़ी कभी भी बंद पड़ सकती है। अब ये सुनने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम अभी कहीं से ढूंढे और बैटरी चेंज करें या फिर हम जो है वैसे ही जाए, जब रुकेगी तब देखा जाएगा, ये सोचे हमने सेकंड वाला सोचा और भगवान का नाम लेके फिर से हमारी जर्नी शुरू हो गई। पर प्रॉब्लम ये है यहाँ हमारा लगभग 4 घंटा वेस्ट हो गया। अब हमें पता नहीं हम कोलकाता आज पहुँच पाएंगे भी या नहीं, या रात को हमें कहीं और स्टे करना होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है, हम कितना दूर जा सकते हैं। फिलहाल हम हैं अभी उड़ीसा में और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। अब यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट होने के बाद आधा दिन निकल चुका है और हमें अभी भी लगेगा 8 से 8.5 घंटा पहुँचने में मैप के अनुसार,
पर असल में ये टाइम और भी ज्यादा लगेगा। तो कुल मिलाकर सारा हिसाब करने के बाद हमें लगी है भूख, तो सोचा कहीं रुक के पहले खाना खा लेते हैं। सुबह से भी हम अच्छे से नहीं खाए हैं, तो हमें यहाँ पर ये ढाबा मिल गया जिसपे हम रुक गए। तो अब यहाँ पर हम जमकर खाएंगे और फिर खा पीकर अच्छे से आराम आराम से यहाँ से निकलेंगे। यहाँ हमने पेट भर के रोटी सब्जी खाई जिसका टेस्ट ठीक ठाक था, उतना अच्छा नहीं था, पर भूखे को क्या अच्छा क्या बुरा, जो मिला हमने खा लिया। और फिर हमें सामने एक फल का दुकान मिला, तो सोचा यहाँ से थोड़ा फल भी खरीद लेते हैं, रास्ते में काम आएगा। यहाँ से तरह तरह के फल मतलब केला और एप्पल खरीदने के बाद हम सीधे चले गए गाड़ी में और केला खाते हुए फिर से हमारा सफर शुरू हुआ। अब एक के बाद एक टोल प्लाजा और नई नई जगह हम क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हालांकि हम अपने टाइम से काफी पीछे चल रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई दुख नहीं हमें, और ये कोई दुखी होने की बात ही नहीं है, उल्टा हमें खुश होना चाहिए। हमें इतना कुछ देखने को मिला, ये अमेजिंग रोड ट्रिप जर्नी हमने एक्सपीरियंस की, और साथ ही साथ अब तो अगले रोड ट्रिप का भी प्लान बन रहा है। तो आप लोग भी अपना इनपुट दे, मुझे सजेस्ट करे कहां मुझे जाना चाहिए, कौन सी जगह एक्सप्लोर करना चाहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट में बताएं। और आपके मन में अगर कोई सवाल है, मुझे रोड ट्रिप से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो, तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब आगे आते आते हम काफी आगे आ चुके हैं और यहाँ पर चल रही है पुलिस चेकिंग। हर गाड़ी को अच्छे से चेक किया जा रहा था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पर हमारी गाड़ी को रोका ही नहीं गया। अब इसका रीजन आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैं यही बताऊंगी, मुझे नहीं पता। कई जगहों पर हमारी गाड़ी रोका गया, एक जगह पर तो खुलकर चेकिंग भी हुई, और फिर हमें ऑल द बेस्ट कह के जाने दिया गया। ये सब कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जो प्लेन ट्रेन में पॉसिबल नहीं है। इसी बीच हमारे खाने का पिटारा फिर से खुल गया है और अब फिर से हम खाएंगे हेल्दी खाना। तो अब ये खाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सुबह सुबह निकले थे और अभी शाम होने वाली है। फिलहाल हम वेस्ट बंगाल में हैं, पर कोलकाता अभी भी हमसे बहुत दूर है, और यहाँ आते आते हम सबकी बॉडी पूरा अकड़ गई है, तो सोचा यहाँ पर रुक के थोड़ी देर यहाँ वहाँ टहल लेते हैं। यहाँ लगभग 10 से 15 मिनट बिताने के बाद फिर से हमारा सफर शुरू हो गया है और हमें पता नहीं है हम आज कहाँ तक पहुँच पाएंगे, पर इतना तय है आज पूरी रात हम ट्रेवल नहीं करेंगे। लगभग 7-8 बजे तक हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँचेंगे और फिर वहाँ पर रुक जाएंगे। दोस्तों, चलते चलते सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और अभी रात हो गई है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, आज हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे। फिलहाल हम हैं पूर्व मेदिनीपुर में और आज हम यहाँ पर ही रुकेंगे। तो बस आज रेस्ट करते हैं और आप लोगों से कल सुबह सफर पर मिलते हैं। अभी के लिए बस इतना, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।